सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आज मैं और गर्व आपको लेकर आ चुके हैं रूर्बन रिजॉर्ट। सो यहाँ पर जो है आप डे आउटिंग के लिए आ सकते हैं, खास करके दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ तक कि मेरठ वालों के लिए भी एक काफ़ी परफेक्ट जगह रहने वाली है घूमने के लिए, आने के लिए एक दिन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। सो यहाँ का क्या टिकट प्राइस रहने वाला है, क्या लोकेशन है, अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलने वाली है, सारा इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। सो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर कर देना। सो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो फ्रेंड्स, रूर्बन की जो है लोकेशन जो है मुरादनगर पड़ती है। बाहर आपको पार्किंग मिल जाती है, यहाँ आपको खुद से आना पड़ेगा, कोई नज़दीकी मेट्रो स्टेशन नहीं है। मेरठ और दिल्ली वालों के लिए काफ़ी पास पड़ने वाला है, एक घंटे की हार्डली, मुश्किल से एक घंटे से भी कम की ड्राइव है। सामने देखिए मेरे एंट्री है। सो अंदर चलते हैं। यहाँ की टाइमिंग जो है सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक रहने वाली है। वहीं टिकट प्राइस की बात कर लूँ तो 1180 प्लस GST अडल्ट के लिए, 750 प्लस GST किड्स के लिए, 3 से 4 फुट की हाइट, जिसमें आपका बफे मील्स इंक्लूडेड रहता है। सो लो जी, एंट्री कर रही है और एंट्री करते सबसे पहले जो हम जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट की तरफ। सो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट ही आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब हर फॉर्म में आपने देखा ही है। और यहाँ पर जो है सबसे खास बात है कि इनके रिजॉर्ट बड़े आलीशान हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर साइड में कहीं पर नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, मैंने स्टे भी किया था यहाँ पर। तो चलिए खैर, अभी आज की बात करते हैं। तो आज मैं डे आउटिंग के लिए आया हूँ सिर्फ, सो ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं। सो ऐसे बोर्ड्स लगे हुए आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि रसोई किस साइड है, मतलब किचन किस साइड है, खाना कहाँ खा सकते हैं, मड बाथ, ट्यूब वेल, रेन शावर, स्विमिंग पूल। सो अट्रैक्शंस आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर अंदर आते ही। सो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ब्रेकफास्ट, जिसमें कि आपको आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और पोहा मिलता हुआ। और यहाँ पर ये बाहर भी बैठ सकते हैं, आप अंदर भी बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया दोनों जगह है। सो लो जी, पहले तो करेंगे पेट पूजा जैसा कि सुबह की शुरुआत, उसके बाद अपन लोग घर तो शुरू हो गया। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है, बहुत अच्छा कह रहा है। सिंपल सादा अपना पोहा, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, अचार। सो यहाँ पर देखिए गर्व आती सबसे पहले लग गया अपनी रोप्स की एक्टिविटीज़ पे। इस एरिया में आपको काफ़ी सारी रोप एक्टिविटीज़ मिलने वाली हैं, आपको धीरे धीरे सारा दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर शुरू होंगी, अभी तो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो तब तक छोटा मोटा आपको दिखा देते हैं फटाफट से। तो ये देखिए, ये बच्चों के लिए बनी हुई है, हमारा चैम्पियन चल दिया है। सो यहाँ पर आपको एक रोप कोर्स मिलता है, जिसमें दो उसमें बना हुआ है, 8 और 8 हर्डल्स हैं, यानी कि 16 हर्डल्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं अलग अलग, जैसे कि टायर क्रॉसिंग हो जाता है, नेट क्रॉसिंग हो जाता है, बर्मा ब्रिज का टाइप हो जाता है। ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये नेट क्रॉसिंग हो गया, आगे देखेंगे तो टायर क्रॉसिंग हो जाता है, स्विंग हो जाता है ऊपर, और टफ हो जाएगा थोड़ा सा। सो आपको यहाँ पर बेल्ट के साथ प्रॉपर ऐसे जो है दे दिया जाएगा, आपको इसको क्रॉस करना होगा इस टाइप से, ऊपर भी वो वाले पे उधर वो चढ़े हुए हैं। सो यहाँ पर गर्व करता हुआ रोप कोर्स, और थोड़ा थोड़ा डरता हुआ। सो यहाँ तक तो ये आ गया, लेकिन आगे कैसे चेंज करेगा ये देखना है, निकालना अब। सो ये घर पहुँच गया दूसरी जगह पे, बड़ी जल्दी कर लिया इसने। अब यहाँ ये थोड़ा स्विंग होगा, देखते हैं हो जाएगा, दो हो गए, ये भी हो जाएगा। गर्व इधर देख, मैं इसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, कह रहा है यहाँ आपको फ़ोटो खींचने की पड़ी है। लटक गया करी ली इसने, अब एक आधा ही रह गया। वैसे अब मर्जी है, यहाँ से स्टेयर से उतरना हो तो उतर भी सकते हो, ठीक है।
सोबई गर्व ने यहाँ से स्टार्ट किया था, अपना कंप्लीट करके आ गया ये। गुड जॉब, गुड जॉब। सो गर्व ने कंप्लीट कर लिया, कैसा लगा भाई गर्व? बहुत बढ़िया, मेरे को तो लगा ही नहीं था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। बीच बीच में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे भी ये था कि नहीं कर पाएगा, बट कर लिया। देखो इतना बड़ा था ये, नीचे वाला इसने कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पर बना हुआ है एक बास्केटबॉल का ग्राउंड, बॉल ये रही, बास्केट वो रही, बॉल डाल के देखो गर्व आप कैन ट्राई। और ये गर्व ट्राई करता हुआ, बस थोड़ी सी ही रह गई। सो अगर आप ग्रुप में हैं तो ये देखिए यहाँ पर जैसा कि क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा किट वगैरह मिल जाती है टू एंजॉय। एंड दिस इज फुटबॉल ग्राउंड, सो यहाँ पर आप फुटबॉल भी एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़। सो आपने देखा होगा मैं वेरियस फार्म्स में जाता हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके का मिलता है। सो सबका अपना एक खासियत है, हर फार्म की अपनी एक खासियत रहती है। सो रूरबन जो है खास करके जो है ना, दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ, मेरठ वालों के लिए भी बहुत पास है। मेरठ वाले भी आप यहाँ पर आ सकते हो, दिल्ली वालों के लिए बहुत बनाई है वीडियो, मेरठ वालों के लिए भी काम की वीडियो है ये, एक दिन के लिए आगे पिकनिक बना सकते हो यहाँ पर। रैबिट ब्रीडिंग है यहाँ पर, देखिए अंदर रैबिट्स हैं छोटे छोटे। लो जी घर चल दिया है यहाँ पे पोल्ट्री करने। सो यहाँ पर आपको रूरल एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी मिलने वाली है, जिसमें लट्टू भी है, कैर चलाना है अब मैं भूल चुका हूँ, और कैर के तो बिल्कुल बस की ना है, जब तक वो चलाता है हम चलते हैं। यहाँ पर क्या है देखें, कंचा गोली मिल जाएगा आपको यहाँ पर, कंचे हैं, कैरम बोर्ड पड़ा है। सो ये सारी एक्टिविटी भी मिलने वाली है, कैरम और चेस, लूडो है, सांप सीढ़ी है यहाँ पर, और बायोस्कोप भी रखा हुआ है भाई। ये देखिए लूडो, बायोस्कोप। सो यहाँ पर जो है वॉल क्लाइंबिंग और जिप लाइन भी आपको जो करने को मिलती है वो वहाँ तक जाएगी, अभी करेंगे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम चल दिए भाई साहब करने जिप लाइन, और सबसे बड़ी बात है कि गर्व और मैं एक साथ जा रहे हैं, यहाँ पे दो एक साथ जा सकते हैं, देख रहे हो। चलो जी, ओ घर पीछे रह गया, वेट के गोड़ी आ गया, आ गया है घर। बहुत बढ़िया, आनंदित, मजा आ गया। अरे बाप रे, यस। अरे लो जी घर भी करके आगे मेरे साथ, हम दोनों ने एक साथ कर ली सबसे बड़ी बात। सो यहाँ पर आपको हमारे डीवा फ्रूट गार्डन, बी कीपिंग, प्लांट नर्सरी, इसमें भी जो है एंट्री मिलती है, आप यहाँ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत ग्रीनरी के पास, नेचर के पास का आनंद उठाने के लिए। सो अंदर मूली लिखा है, बैंगन लिखा है, ब्रिंजर, ये देखिए धनिया। सो यहाँ पर ऐसी भी, ये देखिए धनिया ही है सही में। देखो यहाँ पर ये नींबू ही नींबू कितने सारे। सो वातावरण देख रहे हो यहाँ का कितना शांत है, तो आप यहाँ पर भी जो है इसके इन हिस्से में भी आ सकते हैं यहाँ पर, ये इनकी अपनी फार्मिंग एरिया इनका। दोस्तों ये देखिए इनके ऐसे जो यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं हट शेप में, और काफ़ी ये जो हैं लग्जरी रूम्स हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हुआ हूँ। कुछ तो इनके पास ऐसे रूम्स हैं जहाँ पर आपको जकूजी वगैरह भी मिलने वाला है। सो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ये एरिया जो है एक्चुअली में स्टे वालों का है। सो ये देखिए ये लग्जरियस विलाज है इनके बने हुए, और यहाँ पर आपको स्टे भी मिल रहा है। ये सब एक्स्ट्रा है, मैं डे आउटिंग के लिए आया हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये रिजॉर्ट काफ़ी आलीशान है, रूरबन। सो इस एरिया में आपको जुगाड़, बास्केटबॉल, गुलेल, एयरगन, आरसी जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। सो ये देखिए ये तो जुगाड़ बास्केटबॉल होती है ना, वो सामने बास्केट लगी हुई है। सो ये है गुलेल, सो एयरगन शूटिंग भी आपको यहाँ पर मिलते हुए। सो अपने गर्व जो है चल दिया धनुष कमान पे अपना हाथ अजमाने। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिंग थ्रो भी मिल जाती है। ये देखिए गर्व करता हुआ, एक भी नहीं डाली गई, इससे कुछ नहीं हुआ। ये देखो जी यहाँ पर तो गर्व जो है कुछ थोड़ा बहुत आराम करने लग गया है। हाँ भाई मंजी लगी हुई है आपके लिए आराम करने के लिए। हाँ 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 मज़ा 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 ही मज़ा। तो
तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं यहाँ की नेचुरल भूल भुलैया में, देखते हैं रास्ता कहाँ से है। पहले तो रास्ता ही ढूंढना है इसका, भूल भुलैया है। सो ये पेड़ पौधों से बनाई गई भूल भुलैया है, ये देख रहे हो, तभी मैंने इसका नाम दिया नेचुरल भूल भुलैया। गर्व आगे जाता हुआ और गाइड करता हुआ, लेकिन गर्व ने कहा कि वहाँ से नहीं है, तो लेकिन कुछ नहीं पता, हम दोनों अलग अलग हो गए। गर्व का रास्ता ब्लॉक, घर पीछे रह गया, हम गो गए, मैं बाहर आ गया, मिल गया। कहाँ गया? घर कह रहा मिल गया, वो भी कह रहा मिल गया, मैं भी कह रहा हूँ मिल गया। ये रहा मैं तो, आ जा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है जो पूल है यहाँ पर इनका, उधर जो है रेन डांस का एरिया, उसके उधर जो है आपको मठ बात भी मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे बैठने बैठने का पूल के किनारे, थोड़ा आनंद भी आएगा आपको, कॉस्ट्यूम लेके आएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब रेन डांस होगा तो आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा उस तरफ शायद मठ बात है। सो ओवरऑल एक डे आउटिंग के लिए ये जगह है जहाँ आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और रहोगे तो आप रह भी सकते हो, और वहाँ पर मठ बात है। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करने को मिलने वाली। सो ये देखिए अंदर भी लंच लग जाता है, बाहर भी लगा हुआ है, सर्दियाँ हैं तो आप यहाँ पर बैठ के भी खा सकते हैं अंदर, और बाहर का तो मैंने आपको दिखाया ही है। सो वहाँ पर भी आप चाहें तो अपना बैठ कर यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लंच जो है शुरू हो चुका है, देखते हैं लंच में क्या क्या आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर रायता नज़र आता हुआ मुझे, राइस हैं इसमें जो है, दाल, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर जो आपको मिलेगी, भिंडी है। सो ये सब आपका टिकट में डे आउटिंग में इंक्लूड रहता है, नूडल्स भी हैं। सो आप और ना नहीं यहाँ पर बैठ के आराम से अंदर या बाहर ये एंजॉय कर सकते हैं। हम भी अपनी प्लेट लगाते हैं और फिर देखते हैं। सो ये आगे अपनी प्लेट देखिए, मैं यहाँ पर हर चीज़ ले आया हूँ ऑलमोस्ट खाने के लिए। सो इसके बाद खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट तो काफ़ी अच्छा था, और रिव्यू देंगे, और उसके बाद एक आधी जो एक्टिविटीज़ और हैं वो आपको दिखाएंगे। सो वॉलीबॉल वगैरह के लिए भी यहाँ पर बॉल वगैरह और नेट लगा रखा है ऑलरेडी, ये देखिए, जिससे कि ग्रुप में इंजॉय हो सके, ओवरऑल पूरा दिन आप अपना जो है समय जो है बिता सके। तो यहाँ पर आने का फ़ायदा भी ग्रुप में ही होता है, फैमिली के साथ होता है, दो चार पांच लोगों तो ही आनंद आता है। सो ये लोग एंजॉय करते हुए ऐसे ही उस तरफ जो है एक नेट लगा रखा है जहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, रोप कोर्स के पास ही है ये। यहाँ पर मैजिक शो दिखाते हैं भैया, कल 40-7 मीटर के 40 देखो ना जाएगा मैम, आपके पास नहीं जाएगा, हमारे साथ ही जाएगा। बैठे थे चेयर भी खाली सामने, एक अपना पैर बचा के रखना सभी लोग। हाँ क्या पैर, और पैर तो ऐसे मत करो, इसे मारू ना, ये डराता हूँ मैं, पहली बार आया है, पहली बार मिलेगा कैसे बेटे, एक गाना सुनाओ बहुत ही प्यारा, सभी लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, नाली में काका वो डोले क्या हुआ है, अलग अलग की गाते हो, अलग अलग कर दूं, देखो सर पत्ता मेरा अलग अलग है, देखो बेटे क्या मत पत्ता जल्दी आ जा, परे चलो तो यहाँ पर आप डांस वगैरह भी करना चाहते हो, इन्होंने सेक्शन बना रखा है जहाँ पर आप डांस वांस कर सकते हैं, स्टेज शो होता है यहाँ पर वैसे, और आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर करने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, तो उसके सिटिंग एरिया यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। तो जगह जगह पर आपको बैठने के लिए भी जगह मिल जाती है, और ये देखिए यहाँ पर आपको डक, ये डक्स है पॉन्ड के पास। तो दोस्तों आज हमने आपको जो है रूरबन रिजॉर्ट घुमाया, यहाँ पर आप बेसिकली जो है डे आउटिंग के लिए मैं आया था आज, तो आप भी आइए यहाँ पे एंजॉय करिए, यहाँ पर आप रहने भी आ सकते हैं, और वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको यहाँ के रिजॉर्ट के बारे में भी पता लग पाए। ओवरऑल अल्टीमेट पैकेज गर्व को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जिप लाइन है और भी आर्चरी वगैरह, और रोप कोर्स बड़ा अच्छा है यहाँ का, जो घर में कर भी लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। सो ओवरऑल एक डे आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है दिल्ली गाजियाबाद, और ख़ास करके मैं फिर से जोर डालूंगा मेरठ पर,
क्योंकि हम दिल्ली NCR की जगह बनाते हैं, बट ये मेरठ के भी काफ़ी नज़दीक है। सो आप लोग आइए यहाँ पर। हाँ, और खाने का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया था और अच्छा था, सच में अच्छा था, सुबह और दोपहर का दोनों टाइम का। सो अभी हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बॉडी जॉर्बिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी म्यूज़िक वगैरह तो यहाँ पर है ही, ग्रुप में आते तो अल्टीमेट पैकेज है। सो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना बनता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।